और इसमें मैंने डाला है केला, पपीता, अमरूद और नारंगी। बहुत ही मज़े की लग रही है और बहुत ही मज़े की बनती है। जब भी मैं ये बार बार बना रही हूँ चाट, बहुत ही मज़े की लग रही है आजकल। और रमज़ानों में तो ये हमारे यहाँ रोज़ाना रेगुलर बनेगी। ये साथ साथ बर्तन भी धो रही हूँ। यहाँ देखिए कपड़े धुल चुके हैं और अब मैं इनको जाती हूँ ऊपर फैलाने के लिए। फैला देती हूँ। ये देखिए मैंने सारे कपड़े धो लिए हैं। देखिए कितने सारे आए, नीचे से भी दिखाती हूँ आपको मैं। देखिए कितने सारे कपड़े हैं इधर से। सफाई तकरीबन सारी कंप्लीट हो चुकी है और किचन वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिया है। ये देखें किचन भी साफ़ हो गया है। और अभी हमारे घर बना है आज, अभी अभी बना है रात में चिकन और करेले। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत एक दफ़ा आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा चिकन और करेले। आयशा का बलून कितना प्यारा लग रहा है, खूबसूरत बड़ा बलून है और उसके अंदर छोटे छोटे बलून डाले हुए हैं, तो प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर मैं और अम्मी जो खा रहे हैं चिकन और करेले, और ये साथ में जो है फ़िश थी, बहुत ही मज़े की फ़िश यहाँ पर हमारे यहाँ मिलती है। और आयशा जो है, आयशा का दिल चाह रहा था मैगी खाने को, तो ये मैंने आयशा को सादी वाली मैगी बना के दी है, चटपटी नहीं है, सादी वाली है। और ये जो है बाजी जो है हम लोग खाने के लिए जो है वो टिकिया बना रही थी, तो मैंने कहा चलो इसकी भी वीडियो बना ली जाए। तो ये देखें गोल गोल टिकिया ऐसे हम लोग आम खाने के लिए बना रहे हैं, घर में खाते हैं। और ये ऑयल गर्म हो चुका है और इसमें जो है वो अब ये फ्राई हो रही हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।